तो अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं, अभी जा रहे हैं बेसिलिका की तरफ। अभी जो बाहर से हम लोग आप लोगों को दिखाए थे उसी के अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ सीट्स है और ये जो पोप है यहीं से एड्रेस करता है 25 दिसंबर को, वो वाला यहाँ पे कुछ सीट्स वगैरह है। सेंट पीटर्स बेसिलिका वैटिकन सिटी में स्थित दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण चर्चेस में से एक है। इसका निर्माण 1506 में शुरू हुआ था और 1626 में पूरा हुआ। इसका डिजाइन किया था रेनेसेंस के महान कलाकार माइकलएंजेलो बर्निनी और ब्रामांटे ने। तो फाइनली हम लोग अभी एंट्री कर रहे हैं 45 मिनट्स लाइन देकर। ये चर्च का एंट्री है, अभी इसके अंदर हम लोग जाएंगे। और ये चर्च के अंदर आके आप लोग देख सकते हो रेनेसेंस आर्ट, मशहूर आर्टिस्ट आर्किटेक्ट्स माइकलएंजेलो, इन लोगों का निदर्शन रेनेसेंस आर्ट की, और मतलब बहुत ही सुंदर। तो अभी आप लोग देख पाओगे माइकलएंजेलोस फेमस स्कल्पचर पीटा, जहाँ हम लोग देखेंगे कि मदर मेरी इज होल्डिंग जीसस लाइफलेस बॉडी इन हर आर्म्स, एंड वो देखे हम लोगों को दुख भी होता है बहुत, लेकिन जो माइकलएंजेलो बनाए हैं, स्कल्पचर जो बनाए हैं, उसको हम लोग अप्रिशिएट कर पाएंगे देख के। तो पीटा देखने के बाद अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। और आगे आप लोग देख पाओगे पोप सेंट जॉन पॉल का रिलिक्स वहाँ पे रखा हुआ है।
हमारे पीछे ये प्रेयर रूम है, तो यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं, हम लोग अंदर गए थे। वहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है, सीलिंग्स वगैरह यहाँ पे जैसे वहाँ पे भी है, तो बहुत साइलेंट था वहाँ पे, लोग प्रेयर कर रहे थे। तो हम लोग निकल गए, अभी आगे चलते। अभी हम लोग पोप्स के टोम के तरफ जा रहे हैं, जो नीचे है अंडरग्राउंड, उसके तरफ जाएंगे हम लोग। तो सीढ़ी से नीचे जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे पोप्स का टोम से रखा हुआ है, तो वही सब लोग देख रहे हैं, प्रे कर रहे हैं। ये बेनेडिक्ट 16 का टोम। ये बेनेडिक्ट 14 का टोम। सॉरी, बेनेडिक्ट 15 का था। अंडरग्राउंड में भी जगह है चर्च के नीचे, हम लोग जो आए हैं चैपल के नीचे भी एकदम जगह है अंडरग्राउंड में। तो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं। अभी हम लोग इस म्यूज़ियम के अंदर जा रहे हैं, यहाँ अंदर जाके देखेंगे कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे सारे पोप्स का एक लिस्ट है विथ टाइम लाइन्स। Thank you.
यहाँ पे एक छोटा सा गैलरी और सुवेनियर शॉप है। वर्णिनी के कुछ आर्ट, यहाँ पे माइकल एंजेलो का कुछ आर्ट का फोटो है, यहाँ पे स्कल्पचर का, ये वाला माइकल एंजेलो का डेविड जो फ्लोरेंस में है अभी, वही फोटो का डिटेल्ड में पिक्चर्स है, कोई मतलब वो स्कल्पचर का, और कितना रियल है, वेन्स भी दिख रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग निकल गए बेसिलिका से, अभी हम लोग वेटिकन म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे, वहाँ पे सिस्टीन चैपल है, पता नहीं अभी म्यूज़ियम खुला है कि नहीं, जाके देखते हैं। यहाँ से करीब कितना डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर। हमने वहाँ पे पुलिस को पूछा तो वो बोला कि ये बाहर जाके 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से, तो हम लोग जा रहे जाके एक बार देखते हैं। तो ये बेसिलिका के अंदर जाने में कोई टिकट्स परचेज नहीं करना पड़ता आपको, बट लाइन्स होते हैं, तो हम लोग का अराउंड 45 मिनट्स वी हैड टू स्टैंड इन द क्यू, उसके बाद हम लोग को एंट्री मिला। अभी हम लोग जाते हैं सिस्टीन चैपल की तरफ, आप लोग देख सकते हैं टूर गाइड्स, इन लोगों के पास वो वाला फ्लैग है, ग्रुप फ्लैग, हर जगह यहाँ पे है टूर गाइड्स। पत्थर के रास्ते कॉबलस्टोन से बना हुआ, हर जगह हर गली में यही रास्ते है यहाँ पे। बेसिलिका के बाहर आके हम लोग देखे कि यहाँ पे वेडिंग फोटोशूट हो रहा है, तो आप लोग भी देख लो कैसे लग रहा है ये लोग। यहाँ पे कितना भीड़ है आप लोग देख सकोगे, अभी हम लोग जा रहे हैं सिस्टीन चैपल देखने के लिए, और यहाँ पे देखिए कितना क्यूट क्यूट पॉपीज। मतलब यहाँ एक अलग ही वाइब है, सब लोग घूमते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर भी सेम चीज़ हो रहा है, सब लोग पूछ रहा है, सब लोग पूछ रहा है कि लाइन स्किप करके हम लोगों को जाना है कि नहीं। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे, पता नहीं इस तरह भी है कि नहीं, थोड़ा पूछ लेंगे। ये वेटिकन स्क्वायर है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं बेसिकली, मतलब हर कोई बार आपको ये जगह, मतलब आपको चैपल में ही जाना है, चर्च के अंदर ही जाना है, ऐसा बात नहीं है। आप लोग अगर चाहते हो कि हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आएंगे, तो यहाँ पर भी आप लोग घूम के बहुत सारी चीज़ देख पाओगे। और साइड्स में
रास्ते के साइड में रोड से छोटे-छोटे शॉप्स है और रेस्टोरेंट्स है, पिज़्ज़ेरिया है। तो हम लोग गलत रास्ते पे आ गए थे, ये एग्ज़िट है बेसिकली वेटिकन स्क्वायर से, हम लोग आगे से राइट जाना पड़ेगा। राइट में जो गली है सामने बेसिलिका है, वहाँ से राइट जाना पड़ेगा हम लोगों को। अभी फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं वेटिकन म्यूज़ियम की तरफ। पता नहीं टी म्यूज़ियम खुला होगा कि नहीं, देखते हैं, नहीं तो बाहर से ही दिख लेंगे। और यहाँ पे इस वेटिकन म्यूज़ियम का टिकट्स है, और आप लोग जब जाओगे बहुत सारा लोग आपको बोलेगा कि यू कैन स्किप द लाइन, आप लोग लाइन स्किप कर दो, बट उन लोगों के पास टिकट्स है ये बोलेगा। बट हमारा सजेशन है कि ऐसा मत करना, क्योंकि उन लोगों का पास जो टिकट होगा वो आपसे डबल प्राइस मांगेगा। अगर से लेट्स से 13 यूरोज़ है टिकट, आपसे 25 यूरो ऐसे पर हेड मांगेगा। तो ये वाला थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ा अगर लाइन देना हो तो लाइन देना, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा लाइन। तो हर जगह यही इशू है, हर जगह स्किप द लाइन बोल के है। अगर आप ऑनलाइन पे ख़रीद रहे हो तो ठीक है, नहीं तो आप जाओ थोड़ा लाइन दे के, जो टिकट है वही प्राइस दे के ख़रीदो। और ये ऑफिशियल भी नहीं है, ये लोग एक्चुअली बहुत सारा टिकट्स ख़रीद लेते फिर आपको दे देते, आपको टिकट के लाइन में खड़े नहीं होना पड़ता बेसिकली। तो अगर आप आपका ट्रिप एक्सपेंसेस थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हो तो हर जगह आप इधर ऑनलाइन टिकट्स ख़रीदो, नहीं तो टिकट के लाइन में होके ख़रीदो। ये वाला स्किप द लाइन वगैरह मत करना। अभी हम लोगों को राइट जाना होगा। अभी ठीक रास्ते में जा रहे हैं, यहाँ पे बोर्ड्स भी है। और यहाँ पे मेट्रो स्टेशन भी है, हम लोग मेट्रो से नहीं आए थे, बस से आए थे, बट मेट्रो से भी आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे एक मैकडी भी है। गार्ड्स का ड्रेस देखे, गार्ड लोग का ड्रेस दिखाओ। अलेक्सा ड्रेस है, आप लोग देखो ये 1-सीटर कार है, कुछ ब्लू कलर का एक अजीब सा ड्रेस है। ये वेटिकन म्यूजियम का शायद कोई स्पेशल ड्रेस होगा, पता नहीं, मतलब वेटिकन सिटी का, म्यूजियम का नहीं, क्योंकि ये तो एक मतलब अलग बहुत अच्छा है, मतलब अलग लग रहा है। तो हम लोग लाइन दिए थे सिस्टीन चैपल देखने के लिए, लेकिन यहाँ लाइन बहुत लंबा है, हम लोगों को ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग जाएगा। और लास्ट एंट्री जो है वो 4 बजे तक है, अभी 3 बज चुका है, तो हम लोग इसीलिए लाइन छोड़ के चले आए हैं। और आप लोगों को एक बार एंट्री दिखा देता हूँ वेटिकन म्यूज़ियम का। तो अभी के लिए हम लोग ये स्किप कर देते क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है और 2 घंटा लग जाएगा ये पूरा लाइन एंट्री तक आने के लिए। तो हम लोग को मेनली वेटिकन म्यूज़ियम में ख़ास कुछ दिखना नहीं था, मेनली सिस्टीन चैपल देखना था, जहाँ पे माइकल एंजेलो का बहुत फेमस आर्ट के वर्क्स है सीलिंग पे, जो बनाने में तकरीबन 3 साल लगे थे। बट अभी के लिए ये वाला स्किप कर देते क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन है, और वैसे लाइन में खड़े होकर टाइम वेस्ट करना कोई अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो हम लोग आगे जाते हैं, थोड़ा यहाँ पे बहुत भूख भी लगा है, थोड़ा खा लेंगे अभी।
ये आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा लाइन है। हम लोग बर्गर किंग से थोड़ा बर्गर्स खा रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा बर्गर खा के अभी बस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। हम लोग लौट जाएंगे रोमा टर्मिनी जो स्टेशन स्टॉप है, और वहाँ से हम लोग आज ट्रेवी फाउंटेन जाएंगे फिर से। अभी हम लोग फिर से बेसिलिका के सामने आ गए। यहाँ से हम लोग को बस स्टेशन की तरफ जाना होगा। अभी आसमान का रंग एकदम चेंज हो गया, थोड़ा ऑरेंजिश। अभी शाम होने वाला है, टाइम है 4 बजे 4 PM। कितना बड़ा क्रिसमस ट्री। Chase the night.